नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। एक बिहारी सब पर भारी, यह लाइन आपने कई बार सुनी होगी। लाइन जितनी छोटी है उसका भाव उतना ही भारी है। आज इस लाइन के साथ कुछ तथ्य और रोचक बातें भी जान लीजिए। बिहार का इतिहास हमेशा से गौरवशाली रहा है। आज पूरा राज्य बिहार के 111 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। यह वही बिहार है जिसने दुनिया को शून्य दिया, आइंस्टीन को चुनौती दी और भारत को पहला राष्ट्रपति भी दिया। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे लोगों के सफर में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बता दें कि जिस दिन यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया उस दिन से लोगों को दिल्ली से श्रीनगर, कटरा और अमृतसर जाने में बेहद कम समय लगेगा। बता दें कि यह एक्सप्रेसवे 670 किलोमीटर लंबा और 4 लेन का होगा जो देश के कई धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा। ऐसे में दिल्ली से माता वैष्णो देवी जाने वाले लोगों को भी आरामदायक सफर करने को मिलेगा। राजधानी में बुधवार से बिहार दिवस के 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम की शुरुआत शाम से हो जाएगी। पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस का उद्घाटन समारोह होगा। शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 3 दिवसीय समारोह का उद्घाटन करेंगे। 8:00 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी जिसमें सिनेमा जगत से कई सिंगर समा बांधेंगे। बॉलीवुड सिंगर जावेद अली गांधी मैदान के मुख्य मंच पर 8:00 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक परफॉर्म करेंगे। हरियाणा के पानीपत जिले में समालखा रेलवे स्टेशन एरिया में मनाना गांव की फाटक के पास आज सुबह चलती स्थानीय पंजाब ट्रेन के डिब्बे अचानक से अलग हो गए। अचानक से ट्रेन के डिब्बे अलग होते देख सवारी सहम गए। उन्हें लगा कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, लेकिन गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ और सभी सवारी सुरक्षित हैं। ड्राइवर और गार्ड ने समझदारी दिखाते हुए ट्रेन के ब्रेक लगा दिए और ट्रेन को रोक दिया। बिहार में स्वास्थ्य सुविधा में सुधार को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव काफी तत्पर दिखाई देते हैं। अब इसी के तहत उन्होंने बिहार विधानसभा में अपने विभागीय बजट भाषण में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के अंदर सुपौल, मुंगेर और गोपालगंज में नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में बंपर भर्तियां होंगी। सदन में बोलते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब बिहार के जिलों में ही लोगों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी जिससे अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना नहीं आना पड़ेगा। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO में गलत नक्शा लेकर पहुंचे पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल को भारत की आपत्ति का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने SCO के तहत एक भारतीय थिंक टैंक द्वारा आयोजित सैन्य चिकित्सा विशेषज्ञों के सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के उस नक्शे पर आपत्ति जताई थी जिसमें पाकिस्तान ने कश्मीर को खुद का हिस्सा बताने का दावा किया था। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट कर दिया। सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि वो राजनीति के क्षेत्र में फायदे के लिए लोगों में डर पैदा करने का काम करती हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुओं के मन में भय का माहौल बनाने का काम कर रही है। अपने संबोधन के दौरान तेजस्वी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोधाभासी जीवन जीना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि लोग 5 किलो फ्री के राशन को लेकर बेरोजगारी का दंश झेलते हुए खुश रहेंगे। जिस शख्स ने लंदन स्थित भारतीय दूतावास से तिरंगा हटाने की कोशिश की थी, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम अवतार सिंह खंडा है। खंडा ने ही अमृतपाल सिंह को भारत भेजा था। उसने पंजाब को फिर से सुलगाने की जिम्मेदारी अमृतपाल को दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को बिहार दिवस के अवसर पर राज्य के सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार भगवान महावीर, भगवान बुद्ध और गुरु गोविंद सिंह से जुड़ी यह गौरवमयी धरती लोकतंत्र की भी जननी है। बिहार के परिश्रमी और प्रतिभावान लोग विकास और समृद्धि की नई गाथाएं लिखेंगे, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने देश के दूसरे राज्यों के विकास में मेहनत मजदूरी से योगदान देने वाले बिहार के लोगों को याद किया है। दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर के मामले में 100 प्राथमिकी दर्ज की, जबकि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पोस्टरों में प्रिंटिंग प्रेस का ब्यौरा नहीं था। प्रिंटिंग प्रेस अधिनियम और संपत्ति अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अगर आप ट्रेन से सफर करने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लेते हुए AC3 इकोनॉमिक कोच के टिकट को सस्ता कर दिया। ऐसे में AC3 इकोनॉमिक कोच का किराया AC3 कोच से कम हो जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक फैसले के तहत ऑनलाइन और काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को अतिरिक्त पैसा वापस किया जाएगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी लगातार बढ़ रही है। अब यह मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उठ रहा है। बता दें कि जिनेवा में 52वीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक के दौरान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में POK में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता जाहिर की गई और आतंकवाद पर पाकिस्तान के दोहरे चरित्र पर भी सवाल उठे। लोकसभा ने मंगलवार को अडानी मसले पर विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच सरकार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अतिरिक्त 1.18 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने 2023-24 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का 1.18 लाख करोड़ रुपए का बजट और 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों को पारित कर दिया है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एक व्यक्ति ने धमकी दी है, जिसके बाद उनके नागपुर स्थित घर और दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय मंत्री से 10 करोड़ रुपए की मांग की गई और नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई है। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक फोन पर करने वाले ने खुद को जैस पुजारी उर्फ जैद कांता बताया है। इसी नाम से पहले भी जनवरी में गडकरी के ऑफिस में धमकी भरी कॉल आई थी। भारतीय रेलवे की तरफ से एक बार फिर से सीनियर सिटीजन को रेल किराए पर मिलने वाली छूट बहाल हो सकती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा गया है कि रेलवे जल्द सीनियर सिटीजन की रियायत को बहाल कर सकता है। आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से सीनियर सिटीजन को किराए में मिलने वाली छूट को कोविड के कारण बंद कर दिया गया था। रेल मंत्री ने पिछले दिनों राज्यसभा में बताया था कि भारतीय रेलवे ने 2019-20 में रात्रि टिकटों पर 59,837 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कुछ साल पहले एक टेलीकॉम टावर के लिए परमिट में 220 दिन लगते थे, लेकिन अब इसमें केवल 7 दिन लगते हैं। भारत का 5G रोल आउट दुनिया में तेज है। 115,000 साइटें 5G सिग्नल दे रही हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे और भारत में 5G विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण करेंगे। 31 मार्च 2023 की तारीख आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। इस दिन ऐसे कई बदलाव होने जा रहे हैं जो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से लेकर रोजमर्रा के कामकाज पर भी असर डाल सकते हैं। इस महीने होने वाले सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में पैन आधार लिंकिंग शामिल है, जिसकी समय सीमा 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रही है। यदि आप अपने पैन कार्ड को अपने 12 अंकों की आधार कार्ड संख्या से लिंक नहीं करते तो आपका पैन कार्ड अगले महीने रद्द हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित सिविल 20 इंडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि भारत 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए मिशन मोड में है। साथ ही उन्होंने कहा है कि देश को अच्छी सड़कों की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ इकोलॉजी की सुरक्षा भी जरूरी है। अपनी बातों को आगे रखते हुए उन्होंने कहा है कि हम तेजी से फॉसिल फ्यूल से ग्रीन फ्यूल की ओर बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार आधे से भी कम IAS अधिकारियों के साथ काम कर रही है। बता दें कि केंद्र सरकार ने खुद ये जानकारी दी है। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने संसदीय समिति को बताया कि केंद्र सरकार के साथ सिर्फ 442 IAS अधिकारी काम कर रहे हैं, जबकि कुल स्वीकृत पदों की संख्या 1,459 है। इसके अलावा देश भर में IAS अधिकारियों के 1,472 पद खाली है। सिविल सेवा परीक्षा के जरिए हर साल 180 IAS अफसरों की नियुक्ति होती है। संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि इसकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में चुनौती दी है कि दुनिया अपने जीवन रक्त यानी पानी को तेजी से खतरे में डाल रहा है। पानी की कमी से निपटने के लिए एक प्रमुख शिखर सम्मेलन के आयोजन से चंद घंटे पहले यह रिपोर्ट जारी की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की आबादी का लगभग 10% ऐसे देशों में रहता है जहां वाटर स्ट्रेस उच्च या गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। पत्नी से बिना मंजूरी एक शारीरिक संबंध बनाने को रेप के दायरे में लाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। इससे संबंधित कई और याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब इन सभी मामलों में सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख तय की है। कोर्ट में सुनवाई के बाद तय होगा कि मैरिटल रेप यानी शादी के बिना पत्नी की मंजूरी के शारीरिक संबंध बनाना अपराध है या नहीं। कई मामलों में महिलाओं ने अपने पतियों के खिलाफ मैरिटल रेप की शिकायतें दर्ज करवाई हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के दबाव के आगे झुकते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने अगले महीने से सप्ताह में एक बार दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिलों में फैले विश्व प्रसिद्ध सुंदर वन टाइगर रिजर्व और अलीपुरद्वार बक्सा टाइगर में पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश दिया। राज्य वन विभाग द्वारा मंगलवार देर शाम जारी अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रैल से प्रभावी प्रत्येक मंगलवार को STR और BTR पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे। हालांकि आरक्षित वन क्षेत्र के भीतर बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए हमेशा की तरह प्रवेश और निकास निःशुल्क होगा। अंग्रेजों के देश ब्रिटेन में इंडियन हाई कमीशन पर खालिस्तानियों के हमले के बाद वहां भारतीयों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय तिरंगा लेकर जुटे और एकजुटता का एहसास करवाया। लंदन की सड़कों पर एकत्रित हुए भारतीय नागरिक, जहां सिख भी शामिल थे, वे मंगलवार को इंडियन हाई कमीशन के बाहर जुटे। इस दौरान भारत माता की जय और जय हिंद के नारे गूंजते रहे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस PM नरसिम्हा और जस्टिस JB पार्दीवाला की पीठ ने कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में जवाब दिए जाने के चलन पर रोक लगाने की जरूरत है। यह मूल रूप से निष्पक्ष न्याय की प्रक्रिया के खिलाफ है। ऐसी OROP बकाए के अनुसार भुगतान को लेकर इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सऊदी अरब में आज चांद का दीदार होगा। ऐसे में यहां पहला रोजा 23 मार्च को रखा जाएगा। इसी स्थिति में भारत में रोजा 24 मार्च को होने की उम्मीद की जा रही है। अगर भारत में भी 22 मार्च को चांद दिख जाता है तो भारत और अरब देशों में रमजान का पाक महीना एक साथ शुरू होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 163 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए 10वीं 12वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट cb.nic.in पर जाकर आवेदन करना होगा।
आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 तक है। भारत ने विदेशी एयरलाइंस की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए अपनी घरेलू कंपनियों को लंबी उड़ानें चलाने और नए केंद्र स्थापित करने को प्रोत्साहित करने की बात कही है। भारत चाहता है कि उसकी घरेलू कंपनियां ज्यादा संख्या में उड़ानें चलाएं। मंगलवार को भारत के नागरिक विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घरेलू कंपनियों से आग्रह किया है कि वे नए उड़ान केंद्र स्थापित करें और विदेशी प्रतिद्वंदियों से घरेलू विमान क्षेत्र का आधिपत्य वापस लें। सिंधिया के इस बयान पर विदेशी कंपनियों को झटका लग सकता है जो भारत के बढ़ते बाजार में ज्यादा हिस्सेदारी चाह रही है। मंगलवार की रात हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई देशों के लिए दहशत वाली रात बन गई। 6.6 तीव्रता वाले भूकंप से दिल्ली NCR समेत भारत के कई राज्य के लोग सड़कों पर आने को मजबूर हो गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद से 133 किलोमीटर दक्षिण के पूर्व में था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.6 रही। पिछले 38 दिनों में भारत की धरती 10 बार कांपी है। कल वाला भूकंप इन 38 दिनों में सबसे ज्यादा जोरदार था। भूकंप विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में भूकंप के कई डेंजर जोन है। ये डेंजर जोन गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, मणिपुर, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में है। एनुअल क्लोजिंग यानी 31 मार्च में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी और इसी के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 भी खत्म हो जाएगा। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक के सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे 31 मार्च तक अपनी शाखाओं को खुला रखें। मंगलवार को सभी बैंकों को लिखे पत्र में RBI ने लिखा है कि 2022-23 के लिए बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेन का हिसाब उसी वित्तीय वर्ष में होना चाहिए। कूटनीति में जैसे को तैसा का फॉर्मूला आजमाते हुए भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग और ब्रिटिश उच्चायुक्त के आवास पर सुरक्षा घेरे में कमी कर दी है। इन दोनों स्थलों के बाहरी गेट और बैरिकेड्स लगे होते हैं जिसे बुधवार को सुबह हटा दिया गया। इन बैरिकेड्स को सुरक्षा व्यवस्था का पहला घेरा माना जाता है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ब्रिटेन व किसी भी दूसरे देश के दूतावासों की सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की गई है, लेकिन इस सांकेतिक कदम को ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग पर लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार MD, साकिर हुसैन, धैर्य सिंह, रविशंकर, अजय सिंह, बाबूलाल मरांडी, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, नौशाद अंसारी, अनवर करीम खान और त्रिलोक कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। पिछले कुछ दिनों से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे, क्या आपने कभी भूकंप के झटके महसूस किए हैं? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।